हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई एम प्रियंका और आज मैं बना रही हूँ ये रिच और डिलीशियस सा दिखने वाला कैश्यू कैरेमल केक स्पेशली टू सेलिब्रेट माय फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। अ बिग बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और आज चलिए मेरे साथ सेलिब्रेट करिए मेरे पहले 500 सब्सक्राइबर्स को विद दिस वेरी यम एंड कैरमली एंड शुगरी रिच केक मेड विद अ लॉट ऑफ कैश्यूज। ये केक बहुत ही मॉइस्ट और रिच इन टेस्ट और बहुत सॉफ्ट बना था और कैश्यूज़ का फ्लेवर इसमें बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि कैश्यूज़ को मैंने केक बेस और ऊपर के कैरेमल दोनों में यूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1/2 कप ऑफ कर्ड और सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल इस बाउल में मैं उन्हें डाल रही हूँ एक साथ। और साथ ही साथ इस केक में मैं यूज़ कर रही हूँ खंडसारी शुगर, तो 1/2 कप खंडसारी शुगर भी मैं इसी बाउल में डाल देती हूँ और साथ ही साथ 1 टीस्पून वनीला हम इसमें डालेंगे। अब हमें इस सब को अच्छे से मिक्स करना है ताकि शुगर भी मेल्ट हो जाए और सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। देखिए एक सार सा मिक्सचर बन गया है। अब इसको रखते हैं साइड में और ये इस बोल में मैंने ऑलरेडी छान लिया है। ये 1 कप गेहूं का आटा है जिसे मैंने पहले से ही छान लिया है। आप भी ऐसा ही करें, छानना ज़रूरी है जब भी आप गेहूं के आटे के साथ होल व्हीट फ्लार के साथ बेकिंग करें तो उसमें थोड़ी सी और एयर इनकॉर्पोरेट होगी अगर आप उसे अच्छे से ऊँचाई से छानेंगे। तो अब मैंने इस 1 कप गेहूं के आटे में अपना लिक्विड मिक्सचर डाल दिया है। उसके बाद मुझे थोड़ी सी मॉइस्चर की कमी लगी तो मैं 1-2 टेबलस्पून इसमें पानी मिला रही हूं और केक की जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट कर रही हूं। और अब ये बढ़िया केक बैटर मेरा बनकर तैयार है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 यानी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और फिर से इसे मिक्स कर दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी और टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी। और अब इस केक बैटर में मैं मिला रही हूँ 1/4 कप ऑफ ब्रोकन कैश्यूज। ये काजू टुकड़ा है, आप चाहें तो रेगुलर काजू को चॉप करके भी डाल सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, ना ही ये थिक है ना ही ये थिन है, तो जो हमारे काजू हैं वो भी बेस पे जाके सेटल नहीं होंगे, दे विल बी विद द बैटर एंड यू विल फील देम इन एवरी बाइट। और अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आज ये अपना बोरोसिल का केक पैन। ये वाले कंटेनर्स मुझे बहुत ही पसंद है बिकॉज ऑफ देयर वर्सिटैलिटी एंड यूसेज। इनको स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने इसे थोड़े से ऑयल से ग्रीस करके लगा दिया है एक पार्चमेंट पेपर और अब मैं पार्चमेंट पेपर को भी ग्रीस कर देती हूँ। पार्चमेंट पेपर ये केक जो है कैरेमल से बनने वाला है तो इसलिए ज़रूरी है ताकि वो साइड्स में चिपक ना जाए। और अब फाइनली केक बैटर को हम इसमें पोर कर देंगे और अच्छे से टैप 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 करेंगे ताकि जो एयर बबल्स क्रिएट हुए हैं वो निकल जाएं और केक इवनली बेक हो। और अब इसे बेक कीजिए एट 160 डिग्रीज इन अ प्री हीटेड ओवन फॉर सम 20 मिनट्स। और जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम तैयार कर लेते हैं हमारी कैरेमल सॉस। उसके लिए मैं एक बोल में ले रही हूँ 1/4 कप ऑफ खंडसारी शुगर, 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम और थोड़े से अगेन चॉप किए हुए काजू। इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रखेंगे। और अब देखिए हमारा केक भी बेक होकर आ चुका है।
अब मैं टूथपिक्स से कर देती हूँ इसमें थोड़े से होल्स, और अब पोर करते हैं अपनी बनाई हुई कैरेमल सॉस। अब ये कैरेमल सॉस को मैंने गैस पे नहीं पकाया, डायरेक्टली इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ, तो इसको हम करेंगे ओवन में ब्रॉयल। टॉप रैक पर आप इसे रखिए 5-7 मिनट के लिए, जब तक आपको एजेस ब्राउन दिखने लग जाए। जैसे कैरेमल पैन में बनाते हैं तो ब्राउन होने लग जाता है ना, ये डायरेक्ट इस केक के ऊपर कैरेमल नज़र आने वाला है, तो इस केक को आइसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एडेड फ्लेवर इसमें साथ ही ऐड हो जाएगा। टी केक के ऊपर हमने ऐड कर दिया कैरेमल का फ्लेवर। और अब ज़रा सा ठंडा होने के बाद मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। देखिए क्या ब्राउनिंग हुई है, और देख के मेरा तो भाई खाने का मन कर रहा है, आई होप आपका भी कर रहा होगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।